सबको चकमा देखकर जब मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे थे केजरीवाल, तब राजनीति में क्यों मचा था बवाल। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दीपावली के शुभ अवसर पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के घर पहुंचे थे और उनके धर्मपत्नी से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी जमानत की याचिका को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद रॉज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपनी धर्मपत्नी से मिलने के लिए 6 घंटे का मोहरत दिया। तो वहीं मनीष सिसोदिया 11 नवंबर को अपने घर पहुंचते हैं और 6 घंटे अपनी पत्नी के साथ बिताते हैं। उसके बाद उनका भावुक करने वाला वीडियो निकलकर सामने आता है, जहां वो वापस से जेल जाते हुए दिखाई देते हैं और वो अपनी पत्नी से गले लगकर रोते हुए दिखाई देते हैं। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल का प्रतिक्रिया भी इस फोटो पे निकलकर सामने आता है, जहां मनीष सिसोदिया को भावुक होते हुए देख अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके कहते हुए नजर आते हैं कि ये तस्वीर बेहद ही पीड़ादायक है। ऐसे शख्स को जेल में डाला गया है जिसने देश के गरीब बच्चों को एक उम्मीद दी थी। आपको बता दें कि केजरीवाल लगातार भाजपा पर यह आरोप लगाते हुए आ रहे हैं कि भाजपा के द्वारा षड्यंत्र कर मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया है और ईडी और सीबीआई भाजपा के नक्शे कदम पर चलती है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल दीपावली के दिन मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिलने उनके घर पहुंचते हैं। जैसे ही मनीष सिसोदिया के घर केजरीवाल अपनी गाड़ी लेकर पहुंचते हैं, वैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो जाता है। वहीं लोग मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के दोस्ती का मिसाल देते हुए नजर आते हैं। अब ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हैं या नहीं, इसमें कुछ वक्त लगेगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ लॉकर। आपके लिए न्यूज़ रूम से अमन बड़ियार की रिपोर्ट।